हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवर टेक न्यूज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोको C3 में आप अपने एप्लीकेशनों को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपका कोई इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है उसको आप हाइड कराना चाहते हैं, आपको किसी को मतलब शो नहीं कराना है, तो आप उसको किस तरीके से हाइड करेंगे ये जानकारी आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली मिल जाएगी देखने के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन हाइड करने का प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग होती है उसमें अंदर आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। फिर आपको क्या करना है, हल्का सा अपना फ़ोन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नीचे की तरफ दिखेगा ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ आएंगे तो सबसे नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा ऐप लॉक, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर देना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पैटर्न शो कराता है। अगर आप पैटर्न डालना चाहते हैं तो पैटर्न डाल लीजिए, और इसको चेंज करना चाहते हैं पैटर्न के अलावा पिन डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको पिन पासवर्ड का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं पासवर्ड डाल लीजिए, पिन डालना चाहते हैं तो पिन डाल दीजिए, अगर पैटर्न डालना चाहते हैं तो पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो अपना जो पैटर्न है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। दो बार कंटिन्यू करना है, देन यहाँ नेक्स्ट कर देना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक MI अकाउंट साइन इन करने के लिए बोलता है। अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना इसको नॉट नाउ कर दीजिए। उसके बाद आपको फेस लॉक लगाने के लिए बोलेगा, अगर लगा हुआ है नहीं तो नहीं बोलेगा, अगर नहीं है लगा हुआ तो इसको लगा लीजिए, वरना इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब गाइस, यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉक करने के लिए रेडी है। अब इनको यहाँ से इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। मैं बता रहा था आपको इस वीडियो में किस तरीके से आपको जो ऐप्स हैं उनको हाइड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की ओर देखने को मिलेगा हाइड्स ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब गाइस, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन से किस एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि मुझे फेसबुक को हाइड करना है और जैसे कि जेली एप्लीकेशन है इसको हाइड करना है, तो आपको इन पर सेलेक्ट कर देना है और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है। अब आपको इनको किस तरीके से एक्सेस करना है बोले तो किस तरीके से निकालना है, इनका यूज़ करेंगे तो किस तरीके से निकाल पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, आपको क्या करना है, टू फिंगर से पिंच इन, जो आपको पिंच इन है वो करना है, जैसे कि इस तरीके से करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस तरीके से किया ही तो मेरा ये डायरेक्टली पैटर्न पूछता है तो मुझे वो डाल लेना है इस तरीके से। आप देखेंगे तो मैंने जो दो एप्लीकेशन हाइड किए थे तो वो यहाँ पे मेरे शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब गाइस, इसी तरीके से आप इनको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैनेज हाइडन ऐप्स दिख रहे हैं, या आने के बाद आप और भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, देन यहाँ से इनको अनहाइड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कुछ इसी तरीके से आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है और अपन पैटर्न डालना है, और इसी तरीके से यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और डायरेक्टली अनहाइड भी कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।